देखिए बेटा, लेट अस स्टार्ट। प्रणाम आप सभी को। बेटा प्रॉब्लम आपकी हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए बेटा, बेटा प्रॉब्लम नंबर वन जो इस बच्चे की है, लेट मी सॉल्व दैट प्रॉब्लम। देखिए देखो बच्चे, बेटा इन दिस फिगर सी क्वेश्चन नंबर वन, बेटा स्क्वायर डैशबोर्ड इज शोन। बेटा ये हमें स्क्वायर हमें गिवन है, ए बी सी डी। बेटा इन दिस फिगर स्क्वायर डैशबोर्ड इज शोन, द लेंथ ऑफ ए साइड इज लार्जर ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर। लार्जेस्ट स्क्वायर बेटा यहाँ दो स्क्वायर कहाँ गिवन है? नो 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 बेटा, फिगर आपने 13.13 डाली नहीं है। किस बच्चे की प्रॉब्लम है? ये बेटा किस बच्चे की प्रॉब्लम है? फिगर 13.3 का 13 इज नॉट गिवन हियर। द लेंथ ऑफ स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर इज 1.5 टाइम्स। अच्छा, वो इफ ए डाइट इज थ्रोन एंड लैंड्स ऑन द लार्जर स्क्वायर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल लैंड? बेटा मैं जरा बता देता हूँ आपको, सुन लीजिए आप लोग। बेटा यहाँ पर हमें दो स्क्वायर गिवन है, राइट? बड़े वाले स्क्वायर की लेंथ इसके स्क्वायर के क्या है, वन फोर्थ पॉइंट क्वेश्चन है। फोर्थ आप नीचे वाले पे आ गए, फिफ्थ पे आ गए आप। फोर्थ पे आ गया। अच्छा फिफ्थ भी कर देता हूँ, चलो पहले फिफ्थ कर देता हूँ, दोनों कर सर देता हूँ। आप दूसरा करवा रहे हो, सर पहले वाला करवाना है, इससे पहले बेटा वाला मैं फिगर कहना चाह रहा हूँ थर्टीन दोनों, पॉइंट ट्वेल्व मेरी बेटी है, मैं दोनों करवा देता हूँ बेटा। 2 मिनट जब लिख दिया तो इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, 1 मिनट लगता है। देखो बेटा आपको स्क्वायर गिवन है, लार्जर एंड वन स्क्वायर स्मॉलर वी हैव टू गिवन। इसकी ई साइड एक्स है, तो इसकी जो ई साइड होगी कितना होगी? 1.5 टाइम्स, राइट? क्या कहना चाह रहा है? इफ ए डार्ट इज थ्रोन एंड लैंड्स ऑन द लार्जर स्क्वायर। बेटा हमने कोई चीज थ्रो की है, वो बड़े वाले स्क्वायर पे बेटा लाई कर रही है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वो स्मॉलर स्क्वायर के अंदर भी लाई करे? कोई बच्चा रिप्लाई कर सकता है? एनु बेटा सपोज हमने कोई डाई थ्रो की, दैट डाई कम्स इन इंटीरियर ऑफ लार्जर स्क्वायर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वो आपका जो डाई होगी दैट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर? 4/9। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। बेटा इसमें क्या करोगे? प्रोबेबिलिटी एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर ओवर एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर। बेटा स्मॉलर स्क्वायर का एरिया कितना होगा? एक्स स्क्वायर, और इसका होगा 1.5x होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर कितना बन जाएगा? 4/9। ये बेटा प्रॉब्लम नंबर 5 होगी। अब आपकी प्रॉब्लम नंबर बेटा स्कैन करके ये कट करके भेजा करो। देखिए सी प्रॉब्लम नंबर 4 आपकी। देखिए बच्चे, इन द फिगर जे एम एल के या जे के एल एम एक स्क्वायर गिवन है। देखिए बेटा जे के एल एम इज गिवन टू बी स्क्वायर विद साइड्स ऑफ लेंथ 6 यूनिट ईच। बेटा ईच साइड की लेंथ कितनी दे रखी है बेटा? 6। नाउ पॉइंट्स ए एंड बी आर मिड पॉइंट्स ऑफ के एल एंड एम एल। बेटा ये आपका पॉइंट ए है, दिस पॉइंट इज बी। आपने बेटा ट्रायंगल बना दी, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट? अब क्या कहना चाह रहा है बेटा? इफ ए पॉइंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ स्क्वायर। बेटा स्क्वायर के इंटीरियर से हमने कोई पॉइंट ले लिया, व्हाट इज द पॉइंट कि वो आपका इस ट्रायंगल पे भी लाई करे, इस वाले ट्रायंगल पे? तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चे?
बेटा आपने स्क्वायर गिवन है, ईच साइड आपकी सिक्स है, अब आपने स्क्वायर में से एक पॉइंट ले लिया, अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो पॉइंट यहाँ पर भी लाई करे, तो इसका मतलब क्या होगा, एरिया ट्रायंगल कौन सी जे बी ए जे बी ओवर कितना बोलो एरिया स्क्वायर जे के एल एम, यस नो में रिप्लाई कर सकते हो बेटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या ये प्रॉब्लम हमने बताई नहीं थी बच्चे, अगर दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके ट्रायंगल बताओगे, किसी बच्चे को याद है इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इसका एरिया ए वन है, पूरे का एरिया ए टू है, तो ए वन ए टू में रिलेशन क्या आती है, एनी वन इन द क्लास, थ्री टाइम्स, कैसे बेटा आपको ध्यान होगा मैंने एक लाइन ली थी यहाँ पर, अब ये बेटा इसका मिड पॉइंट है, तो इसका ये मतलब वो आपने क्या निकाला था, वी हैव गॉट दिस एरिया, अगर आपको ध्यान हो तो बेटा आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के एरिया ऑफ स्क्वायर से डिवाइड करना, कितना आंसर आ रहा है बेटा, किस बच्चे की प्रॉब्लम है ये बेटा, पुरानी प्रॉब्लम है, आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के पूरे स्क्वायर का एरिया कितना है, 36 से क्या करना है, कितना है, बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक कहना चाह रहा है, मतलब इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा ना ए वन, इस पूरे का 3/8 टाइम्स आएगा, कोई बच्चा बता सकता है मैंने कैसे बताया था, एनीवन इन द क्लास, रिप्लाई करो बच्चे, बेटा कोई दिक्कत नहीं है मैं आपको बताता हूँ, सुनिए बहुत आसान प्रॉब्लम है, टोटल एरिया कितना है आपका 36, ये मिड पॉइंट है ये 3, ये आपका 6, ये 90 डिग्री, तो इस ट्रायंगल की साइड क्या होगी, अंडर रूट 6² + 3² अच्छा बेटा सॉरी, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा इस वाले ट्रायंगल का, 1/2 6 × 3, ये एरिया होगा बेटा 9, ये एरिया आपका 9, ये एरिया कैसे निकलेगा, ये 6 3, ये 3, ये बन गया 9/2, तो 9 + 9 + 9/2, ये बेटा बन गया 50 18, ये आपका बन गया 45/2, तो आप मुझे बताओ इसका एरिया कितना बचेगा, 36 - 45/2 बचे 72 - 27/72, 3/8, बेटा किसकी प्रॉब्लम है जरा रिप्लाई करें, अरे रिप्लाई करो बच्चे, मेरी सर, होगी समझ में आ गई बेटा, यस सर, अच्छा अगली प्रॉब्लम बताइए, नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटा प्रोबेबिलिटी की, किसी बच्चे की प्रॉब्लम है तो मुझे डाल सकते हो आप, यार राइट बेटा, मैं आई एम स्टार्टिंग योर ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ प्रॉब्लम राइट, अब इस ऑब्जेक्टिव पार्ट को आराम से सुने, कोई बच्चा बगैर बच्चा वीडियो के साथ नहीं बैठेगा, सारे वीडियो ऑन कर लें, आयुष आदित्य बगैर अगर वीडियो कोई बच्चा बैठा तो आई विल मार्क एब्सेंट, सुन लीजिए आप लोग, सारे बच्चे वीडियो ऑन करके बैठे, जिस बच्चे का वीडियो ऑन नहीं है बेटा आई विल मार्क एब्सेंट, और उसको मैं ग्रुप से निकाल दूंगा, अटेंडेंस बेटा लगवा ले आप लोग अपनी, आयुष आदित्य आयुष बेटा रिप्लाई करो, आदित्य अमित यस सर, अंजलि क्विकली, अंशिका प्रेजेंट सर, अनूप दीपक दीपेश दीपिका गोल्डी जल्दी बोलो, प्रेजेंट सर गोल्डी प्रेजेंट, येनू हिमांची
Present, sir. Himanshu? Present, sir. Ishu? Present, sir. Kamya? Present, sir. Kanishka? Kanishka? Karamjit? Karamjit, beta? Okay, Karthik? Karthik, Kiran? Present, sir. Muskan? Neeraj? Nikita? Present, sir. Okay. Nikita? Present, sir. Palvi? Jaldi se bolo. Parul? Parul? Present, sir. सारे बच्चे वीडियो ऑन कर लें, पहले वीडियो ऑन करके बैठे हैं। बगैर वीडियो कोई बच्चा बैठा था उसको मैं बाहर निकाल दूंगा। जल्दी वीडियो ऑन करें। प्रियांशी? प्रेजेंट सर। राहुल? राहुल? रजत? रितिका? प्रेजेंट सर। रितिका? प्रेजेंट सर। रोनित? रुचिका? प्रेजेंट सर। तनिष्का? उपेंद्र? प्रेजेंट सर। विशु? प्रेजेंट सर। योगेश? प्रेजेंट सर। खुशी? प्रेजेंट सर। स्वीटी? प्रेजेंट सर। दीक्षा? पांचु? पांचु? साक्षी? बेटा कनिष्का आ गई? कनिष्का आई हुई है? कार्तिक? यस सर। दीपेश? रोनित? चलो बेटा, लेट अस स्टार्ट ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम ऑफ प्रोबेबिलिटी फ्रॉम योर बुक। इस पार्ट को बेटा आप खत्म करेंगे, मैं तब असाइनमेंट दूंगा, पहले इसको पूरा करेंगे। Somebody has tried to solve problem of probability from this book. बेटा एमसीक्यू प्रॉब्लम कितने बच्चों ने की है, पहले कोशिश बताएं मुझे। देखिए बच्चे, कोई बच्चा क्लास लेफ्ट नहीं करेगा, अभी अटेंडेंस बाद में मिलूंगा मैं। उपेंद्र ने ट्राई कर ली। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर मैं स्टार्ट कर रहा हूं। बेटा इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी, क्वेश्चन नंबर 10। बेटा किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है स्मॉल पी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इस कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब होता है वो हैपन ना हो। बेटा ए के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है पी, तो हैपन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस पी। बेटा इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इट विल नॉट हैपन, तो ए बार इट इज 1 माइनस पी। क्वेश्चन नंबर 30, बेटा ये कहना चाह रहा है इफ ए लेटर इज चूजन फ्रॉम द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर में से बेटा एक हमने अल्फाबेट चूज कर लिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी लेटर इज फ्रॉम द वर्ड डेली? अच्छा, इट इज ए लेटर ऑफ द वर्ड डेली, कोई बच्चा बताएगा? बेटा 5/26। वेरी गुड बेटा, वर्ड में दे रखा है डेली, राइट? आपने बेटा इंग्लिश अल्फाबेट से एक लेटर सिलेक्ट कर लिया, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे 26। अब आपका लेटर डेली में से कोई ना कोई होगा, तो आउट ऑफ 5 वी हैव टू सिलेक्ट 1, तो प्रोबेबिलिटी इज 5/26। नेक्स्ट बेटा प्रॉब्लम पे आइए, क्वेश्चन नंबर 17। देखो बच्चे, साहिता टॉसेस 2 क्वाइंस साइमल्टेनियसली। बेटा साहिबा 2 क्वाइन को टॉस करती है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे बेटा 4। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल,
what is the probability she will get at most one head? At most one head. Anyone in the class? Beta, at most. At most one head का मतलब ये होता है maximum one head. तो इसका मतलब या तो zero head या one head. ठीक है, आप क्वाइन को दो बार टॉस करते हैं, क्या क्या होता है? हेड 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 टेल टेल हेड एंड टेल टेल. अब एट मोस्ट जीरो हेड के लिए बेटा आपके क्या होंगे? वन केस. और वन हेड के लिए बेटा टू केसेस. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? थ्री बाय फोर, ना कि टू बाय फोर. बेटा जीरो हेड के लिए का मतलब क्या हुआ? बोथ आर टेल. एंड वन हेड का मतलब हेड टेल एंड टेल हेड. तो बेटा थ्री केसेस आपके फेवरेबल है एंड टोटल आर फोर. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? थ्री बाय फोर. नेक्स्ट आइए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 19 को चेक करें बच्चे. सपोज दैट यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर. बेटा ये रेक्टेंगुलर रीजन है राइट. इसकी एज हमें दे रखी है 3 meter by 2 meter. यहाँ पर हमने बेटा डाई थ्रो कर दिया. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल लैंड इनसाइड ए सर्कल. बेटा इसमें सर्कल दे रखा है जिसका डायमीटर 1 है. एनीवन इन द क्लास? बेटा रेक्टेंगुलर रीजन गिवन है जिसका एजेस क्या है? 3 by 3 by 2. सर इसके अंदर एक सर्कल गिवन है जिसका डायमीटर कितना है? 1. डाई को मैं थ्रो करता हूँ. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल लैंड इनसाइड दिस सर्कल? बेटा इसका क्या होगा? इसका मतलब होगा एरिया ऑफ सर्कल ओवर एरिया ऑफ रेक्टेंगल. यस नो बेटा? यस सर. अब मुझे बताएं सर्कल का डायमीटर कितना दे रखा है? डायमीटर इज गिवन टू बी 1. तो इस रेडियस आपका होगा बेटा 1 by 2. तो व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल? पाई इनटू आर स्क्वायर. व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इनटू ब्रेड 3 into 2. तो आंसर बन गया बेटा पाई बाय 24. सी करेक्ट ऑप्शन है. दिस वाज गुड प्रॉब्लम. देखिए बच्चे ये प्रॉब्लम इतनी मुश्किल नहीं है, मैं आपको फिर भी बताना चाहूंगा. अभी तो मैं मुश्किल पे आऊंगा थोड़ी देर में. आई विल स्टार्ट टिपिकल प्रॉब्लम. बेटा क्वेश्चन नंबर 3, ए क्वाइन इज टॉस 150 टाइम्स. बेटा क्वाइन को हमने टॉस किया 150 टाइम्स विद 120 टेल्स. बेटा 150 टाइम्स थ्रो किया और उसमें 120 आपकी क्या है? टेल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल? एनीवन इन द क्लास? बेटा बहुत आसान प्रॉब्लम है. क्वाइन को बेटा आपने 150 टाइम्स थ्रो किया और 4/5. क्वेश्चन ये है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड बेसिकली. बेटा ये बताओ 50 टाइम्स टेल है तो 30 टाइम्स क्या होंगे बेटा? हेड. 1/5. हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/30 by 150. तो आंसर कितना बन जाएगा बेटा? 1/5. गॉट इट? अब सुनिए प्रॉब्लम नंबर आपके 6. प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल हैव 53 मंडेज. बेटा लीप ईयर आपने चूज कर लिया. Find the probability ki that leap year will have 53 Mondays. Anyone in the class? 1/7. No. 2/7. Beta answer kya aayega? Uske batao. This is good problem. Beta sare reply kiya karo. Ishu, Kamya, Kanishka. Beta leap year will have 366 days. In 366. बेटा 366 डेज में क्या होगा? 52 वीक्स कंप्लीट एंड 2 डेज एक्स्ट्रा. जो ये 2 एक्स्ट्रा डेज है क्या क्या हो सकते हैं? मंडे प्लस ट्यूसडे, ट्यूसडे प्लस वेनसडे, वेनसडे प्लस थर्सडे, थर्सडे प्लस फ्राइडे, फ्राइडे प्लस सैटरडे.
and Saturday plus Sunday, or last of Sunday plus Monday. बेटा क्या किया आपने? क्वाइन को आपने बेटा वी हैव टू गिवन लीप ईयर. दैट लीप ईयर इज हैविंग 366 डेज, 52 वीक्स कंप्लीट एंड टू एक्स्ट्रा डेज. दो एक्स्ट्रा डेज क्या क्या हो सकते हैं बच्चे? ये 7 पॉसिबिलिटी हो सकती है. तो टोटल नंबर ऑफ केसेस तो क्या बन गए बेटा? 7. आपसे क्या कहना चाह रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 मंडेज? बेटा मंडे के लिए आपका मंडे ट्यूजडे या संडे मंडे, तो टू केसेस आपके फेवरेबल है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/7, राइट. अब आपसे जो मैं प्रॉब्लम अगली में डिस्कस करना चाह रहा हूं उसको आराम से सुनिए. बेटा आपने क्या किया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो. गौर से देखना, दिस इज वेरी गुड प्रॉब्लम. बेटा इक्वेशन गिवन है पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, राइट. ये कहना चाह रहा है पी एंड क्यू आर ऑब्टेन बाय थ्रोइंग ए डाई. बेटा डाई को थ्रो करके पी एंड क्यू की वैल्यू निकालनी है, राइट. फाइंड दी प्रोबेबिलिटी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक आर रियल. बेटा फाइंड दी प्रोबेबिलिटी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक आर रियल. क्या करोगे बच्चे? दोबारा सुनिए. बेटा पी एंड क्यू हमने क्या नंबर है? पी एंड क्यू आर ऑब्टेन बाय थ्रोइंग ए डाई. तो P can take value 1, 2, 3, 4, 5, 6. Q can take the value 1, 2, 3, 4, 5, 6. बेटा सबसे पहले बताओ roots real कब होंगे? Anyone? बेटा roots real कब होंगे? If discriminant is greater than equal to 0. Yes, no, बेटा? बेटा roots real कब होंगे? D greater than equal to 0. That is B square. P square minus 4 into 1 into Q greater than equal to 0. That is P square greater than equal to 4Q. क्या ये ठीक है बेटा? पहले मुझे कोई बच्चा बता सकता है टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे? बेटा P की वैल्यू 1 to 6 हो सकती है, Q की वैल्यू 1 to 6. तो टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या बनेंगे? Yes, no बेटा 36. यस नो में रिप्लाई करो बेटा. यस नो में रिप्लाई करें सारे बच्चे. पहले वीडियो ऑन कर लें. आयुष, आदित्य, अमित, अदरवाइज मैं आपको बाहर निकाल रहा हूँ. अंशिका, मैं आपको वेटिंग रूम में डाल दिया 3-4 बच्चों को, देखता हूँ कौन आप नहीं करते वीडियो. ये 3 बच्चों को मैंने वेटिंग रूम में डाल दिया, अंशिका, हिमांशी, अमित जाकर. सारे वीडियो ऑन करें नहीं तो मैं सबको वेटिंग में डाल दूंगा. सारे बच्चे वीडियो ऑन करें. रजत, रितिका, विशु, योगेश, साक्षी, अगर वीडियो ऑन आपका नहीं है तो आई विल नॉट अलाउ यू टू एंटर इन माय क्लास. आयुष, गोल्डी नहीं कर रहे तो मैं आपको मीटिंग में डाल देता हूं. अनिष्का को मीटिंग में डालते हैं. बेटा 5-10 मिनट के लिए पहला पनिशमेंट आपको मैं 5-10 मिनट के लिए वेटिंग रूम में डालूंगा. अगर फिर भी आप नहीं माने तो मैं ग्रुप से आउट कर दूंगा. साक्षी, लड़की नहीं मान रही, साक्षी को वेटिंग में डाल दिया. आयुष नहीं मान रहा, इसको वेटिंग में डाल रहा हूं. एक बार कहना काफी होना चाहिए. बेटा P and Q belongs to this set. तो बेटा P के लिए 6 choice, Q के लिए 6 choice. तो total number of choices क्या बन गई बेटा? 36. क्या कहना चाह रहा है बेटा? Roots are real. तो पहला काम discriminant greater than equal to 0. तो P square greater than equal to 4Q. Q को बेटा मैंने 1 ले लिया. चेक करना बेटा, Q को मैं 1 लेता हूँ. तो P square greater than equal to 4. कोई बच्चा रिप्लाई करे पी की कितनी वैल्यू होंगी? एनीवन?
बेटा पी के कितने बेटा वीडियो फिर ऑफ हो गया। पारुल, प्रज्ञा, निकिता, इतना बोलने के बाद भी आपका वीडियो ऑफ है तो मैं सबको बाहर निकालूंगा। वीडियो ऑन करें सारे बच्चे, नहीं मानते तो तीन बच्चों को, पल्लवी को निकालता हूँ, रितिका को निकालता हूं। देखो बच्चे, बेटा क्या कहना चाह रहा है कि रूट्स रियल का मतलब डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो पी स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू क्यू ग्रेटर, क्यू को बेटा वन ले लिया, अगर क्यू को बेटा मैं वन लेता हूं तो क्या निकल गया, पी ग्रेटर देन इक्वल टू फोर। अब मुझे बताओ पी ग्रेटर देन इक्वल टू फोर तो पी की वैल्यू क्या क्या होंगी, टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। बेटा प्यार से एक बार मैंने बोल दिया, वीडियो ऑन करके बैठे बेटा, कितनी क्वाड्रेटिक आ गई, फाइव। लेट क्यू इक्वल टू टू बेटा, तो पी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एट। हेनू बताओ बेटा पी की वैल्यूज क्या क्या होंगी, रिप्लाई करो, रिप्लाई करे क्विकली। उपेंद्र बताओ बेटा, गोल्डी बताओ बेटा, बेटा क्यू को मैं टू ले रहा हूं तो पी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एट, राइट। पी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एट के लिए पी की वैल्यू क्या क्या होंगी, आई कैन नॉट टेक पी इक्वल टू वन, तो पी की वैल्यूज क्या होंगी बेटा, थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। तो कितनी क्वाड्रेटिक बन गई बेटा, चार क्वाड्रेटिक। आगे आइए, लेट क्यू इक्वल टू थ्री, तो पी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, तो पी की वैल्यूज क्या क्या होंगी बेटा, फोर फाइव एंड सिक्स। वी आर हैविंग थ्री क्वाड्रेटिक, लेट क्यू इक्वल टू फोर, तो पी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, बेटा क्यू को मैंने फोर ले लिया तो p square greater than equal to 16, तो p की further values क्या होंगी, 4, 5, 6, कितनी आ गई, 3. Let q बेटा 5 लेता हूं, if I take q equal to 5, तो 4 into 5 बेटा बन गया 20, p square 20 या 20 से greater है, तो p will have two values, 5 and 6. Let q equal to बेटा 6, तो p square greater than equal to beta 24. अब ये 24 या 24 से बड़े है तो p आपका गेन क्या होगा, 5 and 6. तो कोई बच्चा काउंट कर सकता है कितनी क्वाड्रेटिक जिसके रूट रियल है, 5 प्लस 4 9, 12, 15 एंड 4 19. तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी बेटा, 19/36. कितने बच्चों को प्रॉब्लम समझ में आ गई, थम लगा के रिप्लाई करें बच्चे, थम लगा के रिप्लाई करें। ये तीन बच्चों को समझ में आ गई, 5, 6, 8, 9, 14, 16. बेटा किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो रिप्लाई करके मुझे आप रोक भी सकते हो। देखो बेटा दोबारा प्रॉब्लम समझाता हूँ बेटा, इक्वेशन इज गिवन टू बी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, राइट। बेटा कोफिशिएंट p एंड q आर ऑब्टेन्ड बाय थ्रोइंग ए डाई, तो p एंड q की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक कितनी होंगी, 6 × 6 = 36, राइट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक आर रियल, बेटा रूट्स रियल कब होंगे, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब p square greater than equal to कितना आपका 4q, q की वैल्यू बेटा 1 लेते हैं तो p square greater than equal to 4, तो p की वैल्यू 2 3 4 5 6, q को बेटा 2 लेता हूं तो p की वैल्यू क्या आएगी, 3 4। आप चेक करो, इन दिस वे टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक विल बी 19। एक बेटा मैं बहुत बढ़िया प्रॉब्लम ले रहा हूं आप लोगों के लिए, द क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इज गिवन टू बी ax square plus bx plus c equal to 0, quadratic कितने given है, ax square plus bx plus c equal to 0, a b c are obtained by throwing a die, right।
तो ए बी सी बेटा कहां बिलोंग करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल हो. फाइंड द प्रोबेबिलिटी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक आर रियल. बेटा रूट्स रियल का मतलब क्या हुआ? D greater than equal to 0, तो B square greater than equal to 4AC. ये आपके लिए होमवर्क है. टुमारो कम विद सोल्यूशन. सोल्यूशन बेटा करके मुझे डाल देना. राइट. टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक क्या होंगी? 2, 216. बेटा A के लिए 6 ट्वाइस, B के लिए 6 ट्वाइस, C के लिए, तो इट मींस टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक विल बी 6 × 6 × 6, 216. राइट. नेक्स्ट बेटा प्रॉब्लम मैं लेके चल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है. देखो बच्चे, अब आपका लेवल बेटा प्रोबेबिलिटी में धीरे धीरे मैं बढ़ाऊंगा. देखना बच्चे जरा गौर से बताना. ये लास्ट ईयर आया हुआ था. एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू दिस सेट. बेटा एक्स और वाई सेट में बिलोंग करते हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी बेटा क्वेश्चन क्या है? एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू दिस सेट. फाइंड द प्रोबेबिलिटी मोड एक्स माइनस वाई लेस देन 4. Anyone in the class reply करे कोई बच्चा कैसे करेंगे? Anyone in the class? बेटा x and y belongs to this set. Find the probability mod x minus y is less than 4. बेटा क्या करना चाहिए? Anyone in the class reply करे. सबसे पहले मुझे बताओ x के लिए कितनी choice है बेटा? 6 choice. 1, 2, 6. Y के लिए बेटा 6 choices. तो total number of choices बन गई आपकी 36. सर 13/36. चलो बेटा मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ. बेटा X and Y can take the values from 1 to 6. तो total number of आपकी choices क्या होंगी? 6 × 6 = 36. Right. अब आइए, let Y equal to बेटा मैंने ले लिया 1. तो इसका मतलब mod X minus 1 less than 4. कोई बच्चा मुझे बता सकता है x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है. राइट. क्या 5 हो सकती है? नो. बेटा अगर मैंने y को, अगर मैंने y को x को बेटा 5 पुट किया तो 5 माइनस 1 का मोड क्या हो गया बेटा? 4. 4 4 से लेस नहीं है. तो इसका मतलब y को 1 लेता हूं तो आपके लिए 4 फेवरेबल आ गए. Y can take the values, X can take the values. 1, 2, 3, 4. Let Y equal to 2 beta. Ye beta ban gaya mod X minus 2 less than 4. Right? To X ki values kya kya hongi bachche bataiye? X ki value 1, 2, 3, 4, 5. Kaise bachche? देखो बेटा अगर x को मैं 1 पुट करता हूं तो क्या होगा? देखो मोड 1 माइनस 2 ये आपका 1 हो गया, जो लेस देन कितना है आपका? 4. अगर मैंने 2 पुट किया, 2 माइनस 2 0, 0 इज आल्सो लेस देन 4. तो इसका मतलब y 1 1 लिया, वी आर हैविंग 4 चॉइसेस. y को 2 लिया, वी आर हैविंग 5 चॉइसेस. लेट y इक्वल टू बेटा 3. y को बच्चे हम 3 लें तो कितना बन जाएगा? मोड x माइनस 3 लेस देन 4. तो x की वैल्यू बेटा 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल, 4 पॉसिबल, 6 भी बेटा पॉसिबल है. 6 पॉसिबल है बेटा. 6 माइनस 3, 3 मोड कितना हो गया? 3. लेट y इक्वल टू 4. मोड x माइनस 4 लेस देन 4 बेटा. तो x की वैल्यूज क्या क्या बन जाएंगी? एक बेटा बनेगी 1, 2, 3, 4,
फाइव एंड सिक्स बेटा ये भी पॉसिबल है। उपेंद्र गलत कर दिया आपने, वाई को बेटा मैं फोर मैंने ले लिया फाइव, तो मोड एक्स माइनस फाइव लेस देन फोर, तो एक्स की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है बेटा 35/36 बेटा, क्या वाई एक्स एक्स टू हो सकता वन एक्स वन हो सकता है? नो, अगर मैं एक्स को वन लेता हूँ तो मोड वन माइनस फाइव बन जाएगा फोर, और फोर इज नॉट लेस देन फोर, तो एक्स कैन टेक वैल्यूज टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये बेटा पांच आपके चॉइसेस हो गई। लेट वाई इक्वल टू सिक्स मोड एक्स माइनस सिक्स लेस देन फोर, सॉरी मोड क्या किया आपने एक्स माइनस सिक्स, तो बेटा एक्स की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, आई कैन नॉट टेक वन आई कैन नॉट टेक टू, तो ये आपका होगा थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। तो बेटा चेक करो कितने फेवरेबल केस हो गए, फोर प्लस फाइव नाइन, फिफ्टीन ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन एंड नाइन थर्टी। ये बेटा प्रॉब्लम है, दोबारा समझाता हूँ, मुझे लग रहा थोड़ी प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आई, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 30/36 है बेटा, क्या करे बच्ची स्क्रीन शो नहीं हो रही बेटा, बाकी बच्चे बताएं स्क्रीन शो हो रही है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी बच्चों को जिनको स्क्रीन नजर आ रही है थंब लगाएं, अंशिका को कोई प्रॉब्लम बेटा, स्क्रीन शो कितने बच्चों को हो रही है बेटा, हो रही है सब बच्चों को बेटा, आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है ना, सभी को हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से बेटा। क्वेश्चन दोबारा सुने बेटा, क्वेश्चन ये है x and y belongs to 1 to 6, so x can take the values 1, 2, 3, 4, 5, 6, y can take the value 1, 2, 3, 4, 5, 6, so beta total number of choices kya ban gayi 6 into 6, 36, right? Ab aapse kehna cha raha hai, find the probability that mod x minus y less than 4, right? So sabse pehle beta maine kya kiya, let y equal to 1, बेटा मैंने y को मिनिमम वैल्यू ले ली 1, तो मोड x माइनस 1 लेस देन 4, तो x की वैल्यूज क्या क्या होंगी, 1 सेटिस्फाइड, 2 सेटिस्फाइड, 3 सेटिस्फाइड, 4 सेटिस्फाइड। अगर मैं 5 पुट करूंगा, 5 माइनस 1 का मोड 4 आ गया, जो 4 से लेस नहीं है, तो चार फेवरेबल हो गए, राइट। y को बेटा मैंने 2 पुट किया तो x की बेटा वैल्यू 5 आ गई, y को 3 लिखा x की 6 वैल्यू, इनको बेटा मैंने ऐड कर लिया, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस आर 30, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 30/ आगे आइए, ये बेटा मैं नई नई प्रॉब्लम बता रहा हूं आपको, देखते कौन बच्चा रिप्लाई करता है मुझे। ए 1 + 3p/3 1 - p/ ये एक्चुअली अभी होगी नहीं आपसे, चलो मैं कोई और लेता हूं, देखो बेटा चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर्स होते हैं 1/1 के, 64 बेटा। प्रॉब्लम नंबर 1 सारे बच्चे लिखें, 2 स्क्वायर्स प्रॉब्लम नंबर 1 सारे बच्चे लिखें, 2 स्क्वायर्स आर चूजन फ्रॉम द चेस बोर्ड, ये कल के लिए प्रॉब्लम है, 2 स्क्वायर्स आर चूजन फ्रॉम द चेस बोर्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दे विल हैड साइड इन कॉमन। बेटा मैं जरा समझाता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं हम, बेटा चेस बोर्ड में हमने क्या कर लिया, 2 स्क्वायर चूज कर लिए बेटा, इन दोनों को चूज कर लिया ये साइड कॉमन, इन दोनों को चूज कर लिया ये साइड कॉमन, इन दोनों को चूज कर लिया, ऐसे कितने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दे विल हैव अ साइड इन कॉमन, नोटेड बेटा। बेटा 2 स्क्वायर्स आर चूजन फ्रॉम चेस बोर्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दे विल हैव अ साइड इन कॉमन। नेक्स्ट बेटा मैं बताना चाह रहा हूं, इफ 2 इंटीजर्स m n n आर चूजन
from first 100 natural numbers. बेटा M और N को मैंने choose कर लिया पहले 100 natural number से, right? Find the probability 7 power M plus 7 power N. बेटा मुश्किल problem है, try आपने करना है. Is divisible by 7 power M plus 7 power N is divisible by 5. बेटा मैं example बताता हूँ. M को 1 ले लीजिए, N को 2 ले लीजिए. चेक करना बेटा 7 power 1, 7 power 2. सेवन सेवन नाइन नाइन सेवन थ्री थ्री सेवन. बेटा आप क्या करें, ये एक्चुअली इसके लिए नहीं होगा, ये आपका फाइव से डिविजिबल नहीं है. एम को बेटा ले लीजिए आप वन और एन को ले लीजिए थ्री. बेटा चेक करना एम को बेटा वन एन को थ्री, तो ये बन गया सेवन पावर वन प्लस सेवन पावर थ्री. ये बन गया 3 प्लस 343, ये बेटा बन गया 350, ये आपका डिविजिबल है. तो ये बेटा वन ऑफ द फेवरेबल केस हो गया. अब आपको क्या करना है, M1 N are chosen from this set. Find the probability 7 power M plus 7 power N is divisible by 5. ये बेटा प्रॉब्लम मैंने लिख दी है. Find the probability 7 power M plus 7 power n is divisible by 5. ये प्रॉब्लम नंबर 2 आप कल करके लाएंगे बच्चे. थर्ड प्रॉब्लम पे बेटा आता हूं मैं. बेटा एक हेक्सागन दे रखा है, प्रॉब्लम नंबर 3 लिखें. इफ देयर आर 6 वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, टू ऑफ देम आर 3 आर चोजन. बेटा एक हेक्सागन हमें दे रखा है, इसके 3 वर्टिसेस हमने चूज कर लिए. Find the probability they forms an equilateral triangle. क्या करना बेटा, they forms an equilateral triangle. बेटा एक assignment मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से आज probability की. इन तीनों problem को रोज assignment को आप discuss करके कल मेरे से problem पूछ लें, ताकि इस part को खत्म करके we will go to next part. Okay बेटा, bye bye.